नमस्कार, मैं क्षितिजा। इनबीसीएन न्यूज के हिंदी बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। समूचे भारत वर्ष में ह्यूमन वर्ल्ड राइट्स डे प्रोग्राम मनाया गया। इसी श्रृंखला में नागपुर के भट्ट सभागृह में उपकार फाउंडेशन के ब्रांड एम्बेसडर प्रतीक्षा देशमुख, इन्होंने इनबीसीएन से बातचीत की है। आइए देखते हैं बातचीत के अंश। किसी भी प्रोग्राम का ब्रांड एम्बेसडर बनना यह अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। ठीक इसी प्रकार से आज हमारे साथ में देशमुख मैम है, जिन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आज बहुत अच्छा दिन है मेरे लिए कि एक ब्रांड एम्बेसडर, वो भी ह्यूमन राइट फाउंडेशन का ब्रांड एम्बेसडर बनना है, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं इसीलिए बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ अजय सर का। और आगे जो इसका जो वर्क होगा, वो मेरा जो फोकस रहेगा वो वुमेन एम्पावरमेंट पर रहेगा। और आगे आगे बहुत सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जो आपसे हम आपके सामने लेके आएंगे। सो थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल, तो आपने जिस प्रकार से बताया कि जो आगे जो प्रोजेक्ट होने लगे वो भी बहुत बेहतरीन से होने वाले हैं, शहर के लोगों के लिए एक बढ़ावा इस माध्यम से मिलने वाला है। इस प्रकार के ये आयोजन हमेशा होते रहे, यही शहर की जनता मांग कर रही है। और जिस प्रकार से आज ब्रांड एम्बेसडर बनने के बाद इन्हें जो गर्व जो महसूस हुआ, एक अच्छी जो फीलिंग्स इनमें आई हुई है, ये इनका ये साफ कहना है कि इसके बाद मेरे जो कामकाज होने वाले वो सुचारू ढंग से ये शहर के तमाम उन युवाओं के लिए, युवतियों के लिए 100% में काम करने के लिए पूरी तरह से अब तैयार है। नागपुर के सुरेश भट्ट सभागृह से कैमरा पर्सन सुभाष के साथ संजय मिरे, इनबीसीएन न्यूज़ नागपुर। नमस्कार, मैं क्षितिजा। इनबीसीएन न्यूज़ के हिंदी बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है।